पूज्य गुरुदेव जी मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत गुरुदेवी संत समाज सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे हैं आत्मीय बंधुओं माता नहीं माता एवं बहन। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। सदगुरु कबीर साहब कि मौलिक ग्रंथ बीजक, बीजक में सदगुरु कबीर साहब जी की साखी सुभद्रमाई और उनके बाहर भी कबीर साहब जी की साखियों का संग्रह है। सदगुरु कबीर साहब जी बाल ब्रह्मचारी विरक्त आत्मा और सदगुरु कबीर साहब जी पूरी मानवता के लिए उनके दिल में उसके हृदय में अपार प्रेम का सागर था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्संग में भजन में ज्ञान की चर्चा में बिताए, अपने साधना काल में अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब ने जो बातें महसूस की उन्हीं बातों को सदगुरु हम आपके बीच में रखते हैं। सदगुरु कबीर साहब समय की जैसी परिस्थिति रही, जैसे उसके पास दृश्य था, जैसे उन्होंने देखा समझा, उन्हीं बातों को साथी में शब्द में रमणी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा। उनके परवर्ती संतों ने उनकी बातों को, उनकी ज्ञान की बातों को लिखता गया, उन्हीं का एक संग्रह ये सदग्रंथ हमारे सामने है। सदगुरुजन अपने अनुभव की बातें हम सबके बीच रखते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी मिट्टी का, पानी का, पेड़ का, पौधा का, अनेक सारी चीजों के उदाहरण सहित अपनी बात रखते हैं ताकि लोगों को बात अच्छी से समझ में आए। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि माली आवत देख के कलियां करी पुकार, संसार की चीजों को, प्राणी और पदार्थों को हम लोग भी देखते हैं, दुनिया में घटने वाली घटनाओं को भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन उन चीजों से, उन बातों से, उन प्राणी और पदार्थों से हम सीख नहीं पाते। रोज देखते हैं ऐसी कई घटनाएं होती है, लेकिन हम और आप सिर्फ और सिर्फ देखकर निकल जाते हैं। और जो महापुरुष होते हैं वो उन घटनाओं को देखकर, सुनकर, समझकर उन बातों से शिक्षा लेते हैं। जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि आ जाती है उस व्यक्ति को संसार और दुनिया कुछ और नजर आती है। जैसे हम एक नंगी आंखों से देखते हैं और उन्हीं आंखों में जब हम चश्मा लगा लेते हैं तब देखने में कुछ अंतर पड़ जाता है। बिना चश्मे के जिनकी मोतियाबिंद हो गई है, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, या ऐसे ही उसकी उम्र हो गई है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। जब आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है
तो वही धुंधला दिखने वाली चीजें प्राणी और पदार्थ साफ साफ दिखने लगता है। जब आंखों में मोतियाबिंद का माड़ा आ जाता है, झिल्ली आ जाती है, पर्दा आ जाता है, तो दिखाई देना कम पड़ जाता है, दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आपके डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है, जब उसमें लेंस डाल दिया जाता है, तो आदमी बिना चश्मे का भी अच्छा से देखता है। ठीक तो ऐसे ही हमारे जीवन और जिंदगी के साथ होता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्होंने संतों का संसाध किया, ज्ञान की बातों को समझा विचारा, वो आदमी दुनिया के संबंध को नई चीजों को पाकर फूलता नहीं, किसी भी प्रकार के उसके मन में अहंकार नहीं चलता, क्योंकि उनको समझ होती है कि जो भी दुनियावी चीजें मिली हैं, जितने प्राणी और पदार्थ मिले हैं, वो चार दिन के। कीर्तन सरोकार संग और सांप छूट जाना है, किसके साथ क्या रह जाता है, और जिसके पास देखने की दृष्टि नहीं है, वो व्यक्ति इन्हीं संसारी चीजों को पाकर, दुनियाई चीजों को देख देख कर, किसी के हाथ जांघ के शरीर को देख देख कर ललचाता है, उसी को पाने के फिराक में वो दिन रात घूमता है, और जिंदगी की सारी शक्ति सारी एनर्जी आदमी दुनिया की विषय वासनाओं में संसारी चीजों को पाने में लगा देता है। जब आपकी दृष्टि आपकी नजर बाहर की ओर होगी, तो आपको बाहरी चीज ही नजर आएगी, लेकिन आपकी दृष्टि जब अंदर की ओर घूमेगी, आपकी नजर जब अंदर की ओर जाएगी, तब आपको अपने परमात्मा से मुलाकात होगी। हमारी जो यात्रा है वो बाहरी यात्रा है, बाहर की बाहर ही बाहर हम घूम रहे हैं, घूमा है जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इलाहाबाद, हैदराबाद, फैजाबाद, लेकिन मन में शांति नहीं। बाहर का पर्यटन करना चाहिए, देश राज्य दुनिया वहां की संस्कृति वहां की परंपरा, इसका हमें ज्ञान होता है। बाहर बाहर आप भगवान को ढूंढेंगे, शांति को ढूंढेंगे, सुकून को ढूंढेंगे, नहीं मिल सकता। तो जब हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, संतों के संग शांत करते हैं, तब हमारे अंदर समझ आती है कि ये जो संसारिक चीजें हैं, जो मायावी चीजें हैं, जो चीजें हमें आकर्षण महसूस हो रही है, जिसको पाने की कोशिश, जिसको पाकर आज तक हमने कभी सुख और शांति को महसूस ही नहीं किए, उन्हीं उन्हीं मायावी चीजों के लिए जैसे भगवान राम सोने के मृग के पीछे दौड़े, जब जननी माता सीता ने देखा, भगवान राम से कहे, प्रभु ये सोने का मृग जिंदा हुए अमूर्ता मुझे चाहिए। भगवान राम ने कहा कि सीते, कोई सोने का मृग नहीं होता, लेकिन भगवान राम धनुआ बांध लिए दौड़े, वो तो माया भी था। ऐसी माया के चक्कर में, माया के चक्रव्यूह में, उसके बंधनों में हम फंस जाते हैं। और दुनिया क्या चीज है, हकीकत क्या है, उससे कभी भी हम रूबरू नहीं हो पाते, ना हम होने की कोशिश करते हैं।
अधिकतम लोगों की दशा क्या है। आदमी बाहरी बाहरी बाहर बाहर ही दौड़ रहा है, कभी हमने अपने को जानने का प्रयास नहीं किया। जो जानकार लोग हैं, जो उसके मर्मी हैं, मानसिक रोगों के जो स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, उन संतों गुरुजनों के पास जाकर हमने कभी भी बैठा ही नहीं। सदगुरु कबीर की भाषा में कहो तो गाय न माही बसे नहीं कहूं, कैसे कपट पहचान में हो गई। सात्विकों सज्जनों संतों गुरुजनों के पास आपने तो कभी बैठा नहीं। जिंदगी बीत गई, कभी सत्संग जाने न भजन जाने, न दान करना जाने, न धर्म करना जाने, न बाप मां बाप की सेवा करना जाने, न कभी दीनहीन दुखियों के आपने सहायता ही नहीं की। जब तक आप सात्विकों के सज्जनों के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के पास संतों के पास जाकर आप कभी बैठेंगे नहीं, उनकी संसाध नहीं करेंगे, तो जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्य को, जीवन जीने की कला को आप कैसे समझ पाएंगे। हम अपने को भुलाए रहते हैं, इन संसारी चीजों को पा पाकर आदमी भूलते रहता है। ये बाहरी चीजें, बाहरी वस्तुएं, ये पानी, ये सुख के साधन नहीं है। आज कोई व्यक्ति आपको अच्छा भासता है, उससे उसे देखे बिना आपका मन बेचैन हो जाता है। अगले व्यक्ति को आपको देखे बिना उनका मन बेचैन हो जाता है, अंदर ही अंदर तड़पता है कपड़पन। किसी दिन वो आपके मन के प्रतिकूल हो गए, आपकी बात नहीं माने, आपके हिसाब से चला ही नहीं, तो फिर वही अच्छा लगने वाला व्यक्ति फिर पूरा लगने लगता है, देखने का मन नहीं होता। जिसको पाने के लिए हम दिन रात उसके पीछे दौड़ते थे, अब उस व्यक्ति से हम मुख मोड़ दिए, उस आदमी तो आदमी उसकी छाया भी अच्छी नहीं लगती, उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती। कभी हम उसके आवाज के, उसकी चाम के दीवाना हुआ करते थे। कहां गया? जब तक स्वार्थ सदता है, कोई जी हजूरी करता है, हाथ जोड़ता है, जी मालिक आप ही मेरे सब कुछ है, तब तो क्या पूछना। वो व्यक्ति आपके आंखों के तारे हो गए। जैसे ही स्वार्थ पर धक्का लगता है, आदमी का मन बदल जाता है। तो इस दुनिया के भुलावे में ये क्षणिक चीजों को पा पाकर जो हम खुश होते, कुछ मिल जाता है माल्टा ईट सीमेंट कि हम जब मकान खड़ा करते, कितने लोग अपनी मकान की सुंदरता पर, कितने लोग अपनी शरीर की सुंदरता पर भूले हुए। ये सारा संसार, पूरी दुनिया एक भुलावन वन है। जैसे बिहार जंगलों पे कोई आदमी घुस जाए तो निकल पाना मुश्किल होता है। बस ये मायावी चूजे, ये संसारी, ये दुनिया वैसी ही है। अब आप किसी जंगल में भटक गए हो, भूल से कहीं कोई व्यक्ति मिल गया, उससे आप पूछ ले, भाई साहब मैं जंगल से कैसे बाहर निकलूं? उस आदमी ने बताया कि भाई साहब इस रास्ते को पकड़ लो और सीधे निकल जाओ। आप जैसे उन्होंने राहगीर ने बताया, उसके आप विरुद्ध चलने लगे, तो कैसे आप अपनी मंजिल को पाएंगे। हम स्वयं
स्वयं अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी और को आप धोखा नहीं देते। औरों को आप कितने बार धोखा दोगे? एक बार, दो बार, लेकिन हम अपने साथ ही हर हमेशा छल करते हैं। देखते हैं हम कितने लोग मर मर कर जा रहे हैं, कितनी लाशें निकल गई और निकल रही है, लेकिन हम और आप लोग जो जिंदा व्यक्ति हैं, जो सांस ले रहे हैं, सोचते हैं कि अमुक मर गया तो मर गया, अभी तो हम जिंदा हैं। कोई फोर व्हीलर में चल रहा हो, पांच व्यक्ति, पांच में से चार मर जाए, बचने वाला अपने आप को धन्य भाव समझता है, लेकिन मौत हंसती है, बेटा थोड़े और इंतजार कर, बचेंगे कहां? कोई आज जा रहे, कोई कल जा रहे, कोई परसों जा रहे। ये संसार, ये दुनिया चला चली की फैला है, इसलिए कबीर साहब चेतावनी देते हैं, जाग जाओ, गफलत में, प्रपंच में भूलो मत, बेमानी मत करो, किसी को बेवकूफ बनाना छोड़ो। ये जिंदगी होश पूर्वक जीने की जिंदगी है। दुख पर दुख झेल रहे हैं, दुख पर दुख पा रहे हैं, फिर भी उन कामों से हम बाज नहीं आते। वही काम करते जिससे पुनः दुख फिर मिले। किसी ने कहा है, सब देखा सब देख लिए हैं, फिर भी आंखें मीची और दुख के फल जिसमें आते हैं वही लताएं सींची। बस यही हम कर रहे हैं इस संसारी चीजों में, दुनिया की घटनाओं में, हर प्रकार के आप करके देखें। जीवन में निरंतर दुख ही आ रहा है, आप पेट भर दुख भोग चुके हैं, कुछ दिन भूल जाते हैं, कुछ दिन गलत काम करने से आप परहेज रखते हैं, फिर क्या होता है, फिर उसी काम में हम उतर जाते हैं। अरे एक बार हुआ तो हुआ, परिणाम फिर वही दुखद आता है, फिर थोड़ा थोड़ा सा झटका लगता है, आदमी कुछ देर फिर रुकता है और कुछ दिन के बाद फिर वही काम करता है। ये हमेशा ये क्रम चल ही रहा है, लेकिन होश नहीं आता, बेहोशी में जिंदगी बीत जाती है। सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस कर देखे, कपाल पे जूता पड़ रहा है, लेकिन वो काम हम करते ही चले जा रहे हैं। ये संसार का दुख, दुनिया का दुख, जन्म मरण का दुख, कभी दुख महसूस नहीं होता, इन दुखों में भी हम सुख मानते हैं। इसीलिए तो संसार में मन छिपका हुआ है। आप लोग देखे होंगे कभी इस जीवन में सूखा नारियल फोड़े होंगे, उसको हिलाने से भी गड़गड़ाहट की आवाज होती है। एक नारियल में पानी भरा रहता है, पानी की आवाज आती है। सूखा नारियल को जब आप फोड़ते हैं तो उसके अंदर की गरी ढेरी जो होते हैं समूचा निकलता है और उसके खतौली से चिपका हुआ नहीं होता है। और गीला नारियल को आप फोड़ते हैं तो अपनी उस खतौली से जबरदस्त चिपका रहता है। ऐसे ही जो त्यागी है, तपस्वी है, जो सज्जन है, जो सत्संगी है, वो सूखे नारियल के समान होता है। संसार में रहकर, संसार में जीकर भी इस मायाई चीजों से, इस मायाई दुनियाई लोगों से दूर रहता है, हटकर रहता है। और एक व्यक्ति होती तरह चिपका रहता है प्राणी और पदार्थों के गिरफ्त में, लिप्सा में। ऐसे लोगों के मन में कभी चैन नहीं, बेचैन।
नफा और नुकसान में मन घूमता रहता है। श्री कबीर साहब कहते हैं, जीवन बहुत क्षणिक है, यहां तुम जितना बटोर लो, जितना मिल जाए, सब यहां की चीजें यही रह जाएंगी, सब कुछ का छूटना तय है, जो भी है रुपये पैसे उपयोग की चीजें उनका उपयोग करें अनासक्त भाव से। ये नियम साधु संतों के लिए भी है और भक्तों के लिए भी है। ये मत सोचकर बैठे कि अरे त्याग तपस्या करना, मोह माया छोड़ना साधुओं का ही काम है। साधु लोग दाल भात खाएं और आप लोग भूसा खाएं। साधु संतों को त्यागी तपस्या सज्जनों को भी दाल भात की आवश्यकता है। दाल भात खाएंगे तभी पेट की ज्वाला शांत होगी। और एक सामान्य भक्त है वो भी दाल भात रोटी सब्जी खाएंगे तभी उनकी भूख मिटेगी। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते कि माली आवत देख के कलियां करी फुआ, जैसी बागों में फुलवारियों में माली आया, माली को देखकर कलियां पुकार करने लगी। आज तो फूले फूले चुन लिए, जो फूल है उनको चुन लिए, उनको माली तोड़ लिया, कल हमारी बार, फिर वो कलियां फूल बने तो उनको भी माली छूएगा। माली याद देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। ये मौत का नियम भी बड़ा जबरदस्त है। इस संसार में बच्चे मरते हैं, जवान मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, सब मरते हैं। बड़ी बड़ी हवेलियों से लाश निकलती है तो झोपड़पट्टी से भी निकलती है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग मरते हैं तो अंगूठे छाप भी मरते हैं। गरीब मरते हैं, अमीर मरते हैं, सबकी यही दशा है। कोई नहीं बच पाया। किसी ने कहा कि खामोश होगी जमीन, खामोश होगा आसमान, जिस दिन बुझ जाएगी जिंदगी की समा। थी छाव बहुत दीख पर मेरी किस्मत धूप पड़ी, कल देखी थी बारात जहां पर अर्थी उस घर आज खड़ी। हंसते हैं सितारे की गगन बदला है, चलते हैं पंछी की चमन बदला है, मगर मौत की खामोशी याद कहती है लाश वही सिर्फ कफन बदला है। आए मुसाफिर मान बिस्तर कमर कस तैयार हो, मौत है सिर पर खड़ी गाफिल ना हो होशियार हो। बहु कमाए हीरे और मोती मगर क्या करें यारो कफन पर जेब नहीं हो। अभी तो जिस शर्ट को पैंट को पहने इतनी जेब है, कई जींस में देखते हैं कि बहुत जेब, जगह जगह जेब रहती है। लेकिन जो जो मुर्दा मर जाता है, साधु लोग भी जो कफन पहने उसमें भी जेब नहीं है। जाओगे जिस दिन कफन आपको ढक दिया जाएगा कफन से, याद करें उन दिनों को, आपको कोई चीज पता नहीं होगा। सबसे अधिक डर आदमी को मौत की, और मरने वाले व्यक्ति जानता ही नहीं कि मैं मर गया हूं। कई लोग सोचते मैं मर ना जाऊं तो कोई नई घटना, नई बातें नहीं सोच रहे हो। मौत कोई अनोखी घटना नहीं है जिससे आप बचने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं भाई कि फांसी के फंदे पर झूल जाए, ट्रेन पर कट जाए, वो दवाई को खाकर पीकर मर जाए। आजकल ये फैशन हो गया, कमजोर मानसिकता की निशानी है। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी को मौत का पीना है जहर,
हर वक्त हर सांस पर कहर ही कहर है। चांद पर भले ही तुम बसाओ दुनिया, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं सरकार, चांद पर भले ही तुम बसाओ दुनिया। आजकल मैं सुना हूं चांद पर प्लाट बिकना शुरू हो गया, आप लोग चाहे तो बुकिंग करा सकते हैं, आप लोग बुकिंग कराएंगे शायद हम लोगों को भी ऊपर जाने का मौका मिल जाएगा। तो चांद पर भले ही तुम बसाओ दुनिया, अंत में इंसान का मरघट ही शहर होगा। सदगुरु कबीर साहब ने याद के बालू के घरवा में बैठे चेतक नहीं आया, इतना क्षणभंगुर जीवन को पाकर हम यहां पर चादर तान कर सोए हुए, दूसरी की मौत देखकर न जाने यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इतनी लाशों को हम अपने कंधा दिए, कितने लोगों को जमीन में दफनाए हैं जलाए हैं, अर्थी पर उठने वाली लाश हम जैसे जिंदा लोगों को जिनकी सांसें चल रही है उनको लाश संदेश देती है। कि एक दिन तुम्हारी भी अर्थी सजेगी जैसे आज मैं चार के कंधों पे सवार हूं, वैसे ही आपकी भी अर्थी सजेगी। आगे आगे तुम हमको पीछे पीछे बराती होगी और लोगों की जुबान पर एक ही बात होगी, राम नाम सब गए हैं। बहुत दिनों से इनको सुनते सुनते आ रहे हैं लेकिन बात दिमाग पर दिल पर घुस नहीं पा रहे, वो तो दूसरे के लिए है। सब का ये दिन राम नाम सत्य होना है, इसलिए बंधुओं अपनी मौत की अभी से तैयारी करें, जीवन को सुंदर बनाए, इस जीवन को वक्र न बनाए, जीवन को सहजता से जिए, सरल बनकर जिए, विनम्र बनकर जिए। बहुत कठिन व्यक्ति, असहज स्वभाव वाले व्यक्ति किसी को पसंद नहीं, हमको भी कोई सरल व्यक्ति मिल जाता है, सरल सपाट जीवन वाला, उनको देखकर मन बहुत प्रभावित होता है। कितने लोगों से हम उनकी तारीफ कर बैठते हैं, कितने सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, कभी उसके पास भड़कपन नहीं देखा। उनसे हम सीख ले, अपने जीवन को भी हम सरल बनाए, सहज बनाए। जीवन मिला है आत्मकल्याण करने के लिए, ये जीवन ही, ये शरीर है, तो शरीर के लिए मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, पेट की ज्वाला को, पेट की जठरग्नि को शांत करने के लिए रोटी की आवश्यकता है। मुख्य काम है अपने जीवन का कल्याण करना, सुख और शांति हमारे पास हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भी पास धन दौलत रुपये पैसे खाने पीने पहनने ओढ़ने बड़ी बड़ी इमारत हो जाती है, उसके पास नहीं रहती है तो सिर्फ और सिर्फ शांति नहीं, आदमी बेचैन है। बड़े बड़े लोगों के जीवन को भी आप झांक कर देखिए, उसके पास न खाने की कमी है न पीने की कमी है, नहीं कोई चीजों की कमी है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ शांति की, मन में सुकून नहीं, सुख नहीं। आदमी के पास सब कुछ है, भौतिक उन्नति बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन में शांति नहीं तो क्या है उसके पास। जैसे कोई महिला हो, वो महिला 16 श्रृंगार की हो, सजी धजी हो, और उस महिला की सिर्फ और सिर्फ नाक ना, आप उसकी सुंदरता को किस कोटि में रखोगे। हर कोई उसकी सुंदरता का मतलब
इतने पहनी हो, कानों से लदी हो, सजी धजी हो और उसकी नांग ना हो। कोई मतलब नहीं है। वैसे ही हम अब आपके साथ हो रहा है। धन दौलत रुपये पैसे मकान दुकान अच्छे टाट आप इंग्लिश बोलने वाली पत्नी है, होनहार बच्चे हैं, भव्य इमारत है, घर के बाहर फॉर्चुनर कार खड़ी है, समय समय से आप एरोप्लेन की यात्रा कर लेते हैं, बढ़िया सूटेड बूटेड टाई पैंट जींस कोट लगाए हैं, फर्स्ट क्लास कीमती परफ्यूम लगाए हैं, जहां से निकल झकाझक खुशबू फैल रही है, लेकिन मन में शांति नहीं, अशांत है, तड़प रहे हैं, अंदर एक प्यास, अशांति की प्यास। अब आप सोचे कोई प्यासा व्यक्ति हो, पानी ना मिल रहा हो, वो आदमी पानी के लिए तड़पता है, भूख लगी हो, खाने को अन्न ना मिल रहा हो, पेट और फिर चिपक गया हो, आदमी तड़पता है भूख के लिए। वैसे ही हम आज सुख और शांति के लिए बेचैन हैं, जिनको हम फकीर कहते हैं, साधु संत कहते हैं, जिनके पास न कोई बैंक बैलेंस है, न अपनी कोई पूंजी है, बस बैठे नंग तड़ंग अलमस्त फकीर, कोई चिंता नहीं, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, लेकिन उसके त्याग वैराग की रहनी सुंदर निर्मल व्यवहारों को देखकर आदमी कोई शब्द बिहड़ जंगल पर भी हो, ऊंची पहाड़ों पर भी हो, भोजन पहुंचाने जाते, क्योंकि जानते हैं संतों का कोई नहीं। यदि आदमी धन दौलत रुपये पैसे अच्छे मकान दुकान को पाकर ही यदि सुख हो, सुख और शांति से रहते, तो फिर जितने हमारे संत हैं वो लोग तो सबसे ज्यादा दुखी होते। मेरे प्यारे बंधुओं, माताओं, बहनों, ये जो जीवन मिला है बहुत ही बेशकीमती जिंदगी, इस जिंदगी की कीमत समझें। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये स्वतंत्र जीवन नर्तन स्वतंत्र भूमिका में है, कल्याण की भूमिका में है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जय परे भवचक्र में सह घनी रिला, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। संत गुरुजन तो समझाते हैं, बताते हैं, अपने जीवन से जीकर बताते हैं, रहनी में रहकर बताते हैं। उत्तमों में भी बातें समझना है तो सद्रंग की रचना करके बताते हैं। अरे जिस किसी भी प्रकार मेरे अनुयायी, मेरे भक्त, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे अपने लोगों को तो जागृति आए अंदर, लेकिन हम और आप लोगों के अंदर तो ज्ञान का दीपक फूटा हुआ है, कभी हमने उसको जलाया ही नहीं, कैसे आपके अंदर समझ शक्ति बढ़ेगी, कैसे दुनिया को जानोगे, अपने को समझोगे। और जब तक आप अपने को नहीं समझोगे, अपने महत्व को नहीं जानोगे, अपनी आत्मा की सत्ता महत्ता उसकी गरिमा को नहीं समझोगे, तब तक सुख और दुख के हिलोले में झूलते रहोगे। पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, पूर्ण शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम बात है अपने को जाने। आप इस हाजाम टट्टी पे साहब की शरीर नहीं है, आप एक अजर अमर आत्मा है, आप अविनाशी हैं, शरीर तो नाशवान है,
देखो जब किसी का शरीर छूट जाता है, कोई मर जाता है, तो शरीर वही रहता है, आंख भी वही होती है, नाक भी, कान भी, सारी इंद्रियां वही होती है, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, आंख अपने आप में पूर्ण नहीं है। आंख है तो आंख जो देखती है वो आत्मा की सत्ता से देखती है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, आप अपनी इसी आंखों से देख नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, आपके शरीर की कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती। हम लोग बाहरी बाहरी दौड़ रहे हैं। सत्संग हमें अपने से मुलाकात कराती है, सत्संग हमें जीना सिखाता है, सत्संग खुद से मुलाकात कराता है, सत्संग मन के भय विरोध को दूर करता है। ये राग द्वेष की दवाग्नि, राग द्वेष की लपटों से हम जल रहे हैं। जैसे जैसे आप सत्संग करते हैं, सत्संग के ज्ञान की बातें आपके अंदर जब भिनती है, भूलती है, तब आपकी वाणी में मिठास आता है, आप सुसज्जित वाणी बोलते हैं, वो चीज नहीं खाते हैं जिससे नुकसान हो, वहां नहीं बैठते हैं जहां बैठने से मन में अशांति हो। एक सत्संगी व्यक्ति का जीवन पूरा संस्कारित जीवन होगा। एक सत्संगी और गैर सत्संगी व्यक्ति में यही अंतर होता है। इसमें बंधुओं, संत कबीर का संदेश, पूरे महापुरुष जितने महापुरुष हुए सबका एक ही संदेश, ये महापुरुष लोग जहां तहां जाकर ज्ञान की बातों को फैलाते हैं, सत्संग भजन के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से अपनी वाणियों को, अपनी ज्ञान की बातों को बताते हैं, समझाते हैं। इन लोग जाके कुछ समझे अपने जीवन के महत्व, नहीं तो ये धर्म कर्म की क्या आवश्यकता थी, ये सब रावटी, ये सब टेंट माइक, ये सब लगाने की क्या आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने बहुत सोच समझ कर काम किए कि लोगों के अंदर एक जन जागृति आए, जीवन के महत्व को समझे, अपने आप को जाने, एक जागरण का संदेश संग दुर्जन देते। लेकिन हम तो अज्ञान की नींद में, वासनाओं की चिर निंद्रा में सोए हुए, उनकी ज्ञान ध्यान की बातें कैसे पहुंचे आप तक, अंदर में बैठे हुए भगवान का आप दीदार कैसे करेंगे। जैसे आपने देखे हुए नदियों में, तालाबों में जब पानी में हिलोरे आते, तरंग उड़ती रहती है, तो वहां आप अपने चित्र नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहां लहर उठ रही है। जब दर्शन को तिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहां से पाई। यदि आप अपने अंदर बैठे हुए उस भगवान का दर्शन चाहते हैं, दीदार चाहते हैं, तो आपके हृदय पटल को, आपके हृदय गुहा को आप साफ रखें,
हमारे अंदर तो तरंग पर तरंग उठती रहती है, वासनाओं की, इच्छाओं की, कामनाओं की। अरे कैसे आपको आपके भगवान का दीदार होगा, दर्शन होगा, उस भगवान को, उस परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढना है, वो आप ही हैं। आप अपनी सत्ता को, महत्ता को, गरिमा को समझिए, तभी आप इस जन्म मरण से बच सकते हैं। मन मरे न माया मरे, मन मन जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे कह गए दास कभी। ये शरीर मरता है, अंदर की इच्छा चाहना वासनाएं जो बीज है, बीज को आप ढूंढ नहीं पा रहे। इसीलिए जन्म मरण के हिडोले में आप दिन प्रतिदिन झूलते जा रहे हैं और जीवन में दुख दर्द पीड़ा बनी हुई है। तो आप सब के बीच में सद्गुरु कबीर का अमर संदेश जो हमारे संत गुरुजनों ने जो ज्ञान ध्यान की बातें बताई, जो आदेश और उपदेश दिए हैं, उन बातों को हम सब सचौटी से पालन करें। जो तीन दिनों तक आप लोगों ने यहां सुने संतों का अमर ज्ञान, अमर वाणी, उन बातों को आम जीने का प्रारंभ करें। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता, मंच में बैठकर बोलना ही काफी नहीं होता, उनको हम जीवन में आत्मसात करें, तभी जीवन में खुशबू आएगी, सुगंधी आएगी। और ये तीन दिन का सत्संग ही आपके जीवन को नहीं बदल सकता, और ऐसे ही सत्संग भजन और आप आगे करते रहे, ऐसे विचारों को आप और बढ़ाए, चिंतन करें, मनन करें, अच्छी भावना रखें, तब कहीं जाकर मन का कुटेव, मन का पाजीपन, मन की चंचलता, मन का नटखटपन आपका टूटेगा। नित प्रतिदिन यहां सुने, घर में गए, फिर ज्यों करते हो वही रंग में, फिर मन रंग गया, तो फिर सत्संग की बातें आपको असर नहीं कर पाई। सदगुरुजन यहां आपके मन को, दिल दिमाग को कुछ चार्जिंग करते, जो 100% चार्जिंग होगा वो ज्यादा दिन चलेगा, 20% है तो फिर जैसे मोबाइल चार्जिंग पर चढ़ाओ बताते हैं ना, वैसे आप लोग नित प्रतिदिन सदग्रंथ पढ़ें, संतों का प्रवचन सुने, प्रतिदिन आप चार्जिंग होते रहेंगे, अन्यथा फिर लो बैटरी पड़े रहोगे, बिगड़े हुए मोबाइल को कोई देखना नहीं चाहता, वैसे हम लोग भी हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी, माई आवत देख के कल्याण करी पार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ, आप सबके लिए मंगल भावना करता हूँ कि हम तीन दुगुना रात चौगुना उन्नति के पथ पर चलते रहें और हमेशा गगन मगन रहे, प्रसन्न रहे। प्रसन्नता आपके अधिकार में है, आपके होठों का मुस्कान, तभी जीवन में सत्यम सुंदरम की घटना घटेगी। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय।